नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारी संवाददाता सीमा भट्टाचार्य ने बात की जयम्बे स्कूल मगोद से, सीधी बात विद्यार्थियों के साथ। कल गुजरात बोर्ड के जीएसईबी के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए। आज हमारी संवाददाता ने उज्जवल भारत न्यूज के माध्यम से जयम्बे विद्यालय से सीधा जीवंत प्रसारण किया, आचार्य श्री के साथ और विद्यार्थियों के साथ साफल्य गाथा और विद्यार्थियों के परिणाम के श्रेय के बारे में और विद्यार्थियों ने किए गए परिणाम के बारे में और अपनी सिद्धि के बारे में बताया और कैसे कैसे उन्होंने इस परीक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, सभी बातें जानते हैं। सीधी बात, उज्जवल भारत न्यूज़, सीधी बात। हम बात करेंगे आज सीधा प्रसारण हमारे जयम्बे के विद्यार्थियों से, किस तरह से उन्होंने परीक्षा के लिए तैयारी करी है, कितने घंटों का परिश्रम किया है, कितना समय दिया है, एकाग्रता के लिए भी बात करेंगे हम लोग। हमारे जयम्बे स्कूल के जो आचार्य श्री हैं उनसे बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो होता है विज्ञान प्रवाह में, तो वो बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऐसी हुई थी कि पहले थियोरिकल में ऐसा डिसाइड हुआ कि भाई अभी डिस्क्रिप्ट आएगा, तो बच्चे ने एक बरस तो फिनिश कर दिया था, कंफ्यूज हो गए थे, कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे। कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता सर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से जो लोड पड़ा है, JEE है, GUJCAT है, नीट है, उसके वजह से कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के JEE नीट तो उसके रिलेटेड आती है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो ऑब्जेक्टिव आती है पूरी। पहले ऑब्जेक्टिव का वहाँ कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, बराबर, बाद में डिसाइड किया कि ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बच्चे ने पहले जो तैयारी की थी वो पूरी थियोरी की तरह से की थी, बाद में ऑब्जेक्टिव आया तो ऑब्जेक्टिव में वो कन्फ्यूज हो गए। अभी कितने सारे बच्चे से हमें बात हुई जो अपना पेपर अभी आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा रीअसेसमेंट इस साल हो रहा है, उसका मतलब यही होता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि मेरा, मैंने पेपर अच्छी तरह से लिखा है, मार्क्स भी मेरा अच्छा आने वाला है, फिर भी वो फेल हुआ या कम मार्क्स आया तो उसने रीअसेसमेंट का जो फॉर्म आता है वो फिलअप कर दिया है, बराबर। तो उसका मतलब ये, उसकी वजह यही होती है कि भाई पहले से ये जो होता है ना वो एजेंडा पहले से तैयार होना चाहिए कि भाई मतलब सर आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में काफ़ी कमी है, जो परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं वो ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, सिस्टम के कमी के वजह से कि डिस्क्रिप्टिव तैयार करना है या ऑब्जेक्ट तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव, तो कहीं कहीं ये सिस्टम में कमी तो है। होता है कभी कभी ऐसा होता है, अगले भी ऐसे हुआ था GUJCAT नीट आपने भी देखा होगा, जी जी बिल्कुल, बराबर है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी बिल्कुल, हम कैसे तैयारी करें, वो हमें भी कंफ्यूज करते हैं सर हम कौन सा अभी तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करें या GUJCAT की, हमें भी फाइनल पता नहीं होता है। तो मैं पिछले 5 सालों से सर देख रही हूँ कि सिर्फ गुजरात का ही नहीं, पूरे देश का देखा जाए तो स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट है, जो स्कूल का जो बोर्ड रिजल्ट होता है ना, वो काफी नीचे जा रहा है। और क्योंकि आज के जमाने में जो बच्चे देखा कॉम्पिटिटिव, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये सोचना होगा कि बोर्ड के रिजल्ट का मायने भी रखना होगा, वो बात आपकी, क्योंकि JEE और GUJCAT और नीट के द्वारा ही सिर्फ एडमिशन मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं पे असर कर रहा है। सही बात है आपकी, सही बात है, मायने कर होना चाहिए बोर्ड का रिजल्ट भी, क्योंकि 2 बरस तो बच्चे बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो जो बच्चे बोर्ड का भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी होना चाहिए। अभी क्या होता है कि नीट और जी जो चल रहा है वो IIT से होता है, मेडिकल से होता है, तो बच्चे उस पर ज्यादातर ध्यान देते हैं, जी बराबर। हमारा एक बच्चा है वो थोड़ा कम मार्क्स से रह गया, क्यों कि वो पूरी तैयारी अपने नीट से ही कर रहा था, क्योंकि उसने फाइनल किया था कि कुछ ऐसा तो है ही नहीं कि जो मेडिकल से वो मतलब इंक्लूड होते हैं उसके मार्क्स, तो उसने पूरी तैयारी ऐसी की कि जब हमारा 12th चल रहा था तो 12th में भी वो पूरी नीट की तैयारी कर रहा था, इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है बोर्ड का वो जो बच्चे का हमने जो एक्सपेक्टेशन रखा था उससे थोड़ा कम है, मतलब लेकिन वो अभी स्कूल में फर्स्ट है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ये कदम उठाना होगा कि जिससे स्कूल के रिजल्ट, जो बोर्ड का जो रिजल्ट है उसका भी वैल्यू रहे, होना चाहिए, और स्कूल के मतलब बोर्ड रिजल्ट का और साथ में JEE का जो मार्क्स, दोनों का मूल्यांकन, दोनों का ऐड जोड़ के फिर एक एवरेज मार्क्स मिलके फिर उनके एडमिशन का जो मिलना चाहिए IIT में, कहीं ना कहीं
इसी वजह से लगता है कि बोर्ड के रिजल्ट की आज वैल्यू जो है ख़त्म होने जा रहा है, इसीलिए 33 मार्क्स या जस्ट पास होने के लिए वो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। सही बात है, आप मुझसे सहमत हो सर? हाँ, मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि बच्चा तभी वो बोर्ड में ध्यान देगा पूरी तरह से जब भी वो उसका मार्क्स है वो मान रखेगा, उसकी वैल्यू होगी जी। वरना तो क्या होगा कि अच्छे जो बच्चे होते हैं वो तैयारी में लग जाते हैं जी, तो बोर्ड का रिजल्ट कम से कम डाउन ही होता रहेगा जी। आपने देखा होगा कि A1 की वैल्यू जो है अभी बराबर वो भी कितनी ज़्यादातर वो डाउन हो गई जी, पहले कितने थे जी, अभी जितने A1 आए हैं पूरे स्टेट में जी बराबर उतना तो एक सिटी में आते थे जी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा मतलब, मैंने जितना मूल्यांकन की जितना मैंने एवरेज देखा है पिछले 5 सालों में 6 सालों में, ये जब पहले विज्ञान प्रवाह का एग्जाम होता था 12वीं का, तो पहले एक सेमेस्टर पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव था, फिर दूसरा सेमेस्टर 50% ऑब्जेक्ट 50% डिस्क्रिप्टिव, फिर तीसरा सेमेस्टर पूरा ऑब्जेक्टिव था। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे एक सेमेस्टर पूरा ऑब्जेक्टिव तैयारी करते थे, और ऑब्जेक्टिव से ये मुश्किलें आ रही थी, खास करके गणित फिजिक्स बायोलॉजी में ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव, लेकिन फिर भी डायग्राम में कैसे डायग्राम बनाएंगे बोलो, आज तो डायग्राम बनाना ही छूट गया है, आज कोई ड्रॉ नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या ड्रॉ करना है नहीं आता है ठीक है। और गणित में स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि गणित विषय की, तो गणित में जब हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करते हैं, तो सब लोग अगर कोई 10 स्टेप का सम्स है उसमें हम लोगों ने 8 स्टेप सही किया 9वां स्टेप में गलती करी, तो 4 मार्क में से कम से कम 2.5 या 2 मार्क तो मिलता था पहले। लेकिन अब जो सिस्टम आया JEE और नीट का, उसमें अगर हम लोग ने गलत किया तो हम लोग को उसमें बिल्कुल भी मार्क्स डिस्क्रिप्टिव तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नेगेटिव रिजल्ट अगर रॉन्ग किया तो नेगेटिव आए, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी छूट रहा है। डिस्क्रिप्शन जो है लिखने की जो कला है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे लैकिंग हो रहा है, इमेजिनेशन पावर कहीं ना कहीं कम होने लगा है इस तरह से, क्योंकि हर किसी का लिखने का तरीका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, मैं भी गणित की शिक्षिका हूँ तो उसके नाते मैं ये बात करना चाहूँगी, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना होता है तो उसमें हम लोगों को किसी ने साइन कॉस से किया, किसी ने टैन कॉस से किया, लेकिन JEE में अगर देखा जाए, MCQ में देखा जाए, ऑब्जेक्टिव में देखा जाए, उसको सीधा डायरेक्ट आंसर ही चाहिए, तो वहाँ पे मुश्किलें आती है। सही बात है, ठीक है, 85% 90% सॉल्व करने के बाद भी अगर वो लास्ट में अगर वो नहीं कर पाया सॉल्व, तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, और उसमें जो आंसर दिए जाते हैं वो नियरली आंसर होते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं ना वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी तो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। थैंक यू। तरह से हम लोग ने आज जयम्बे के आचार्य श्री से हम लोग ने परिसर से हम लोग ने बात करी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये बात सहमति भी दी है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ बदलाव की लाना ज़रूरी होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा एक जरिया है जहाँ से डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी एक मुद्दा है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्ञान के, जिसमें हम लोग उसी के चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, और युवा पीढ़ी जो है वो बिना शिक्षा के अधूरे रह जाएगी। किस तरह से आज इन विद्यार्थियों का जो सम्मान किया जा रहा है, जय अम्बे स्कूल में हम लोग खड़े हैं और किस तरह से विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है, आइए देखते। सीधा प्रसारण उज्जवल भारत न्यूज फेसबुक पेज लाइव। बस थोड़ी ही देर में हम लोग बातचीत करेंगे इन विद्यार्थियों से कि कैसे इन्होंने परीक्षा के लिए तैयारियां की है। और हम इंटरव्यू ले रहे हैं इन विद्यार्थियों का, किस तरह से इन्होंने तैयारी करी है परीक्षा के लिए, आइए जानते हैं विद्यार्थियों की जबानी, इन्होंने किस तरह से तैयारी करी है। बारी बारी हम लोग लेंगे इंटरव्यू, आइए देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने टॉप किया है जय अम्बे में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद हैं जय अम्बे स्कूल के, तो बात करते हैं जी। आपका नाम बताइए प्लीज। जी, माय नेम इज मोहम्मद उमर अब्दुल अजीज मंसूरी। किस कक्षा में पढ़ते हो आप? आई स्टडीड इन 12th साइंस। 12th
इंग्लिश मीडियम. ओके, सो हाउ मच यू स्कोर्ड इन 12th दिस ईयर? 96.77%. विच ग्रुप? बायो और मैथ्स? बायो ग्रुप. सो व्हाट इज द एम्बिशन आपके, जो आगे कौन से पढ़ने की, कौन से सब्जेक्ट में इच्छा है आपकी? आई विश टू परस्यू फॉर MBBS. MBBS, ओके, वेल डन. बायो में कितने मार्क्स है आपके? बायो में 84 out of 100. ओके, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन. और डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो आप, कोशिश करो तो आपको बहुत बहुत बधाई 12वीं के परीक्षा के लिए. और ये बताइए आप कि आपने 12वीं की परीक्षा के लिए क्या तैयारी करी थी, किस तरह से थोड़ा हमारे जो आने वाले विद्यार्थी है, अगले साल जो देने वाले, इस साल जो देने वाले हैं, उनके लिए काफी फायदेकारक होगा. इम्पोर्टेंट नहीं है, चिंता भी करो, प्रोडक्टिव पढ़ो. वेरी गुड. अगर आप फाइव आर निकालते हो, बिल्कुल, स्कूल के बाद, बिल्कुल अपना टाइम, तो वो भी 5 आर पूरा अंदर डाल दो, मतलब बिल्कुल पूरी लाइफ बननी है उससे. बिल्कुल, अगर रिजल्ट बनाना है, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी. और वो सेल्फ रीडिंग से आता है, ऐसा नहीं कि हम ट्यूशन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, स्कूल में आपको पढ़ा देते हैं, समझा. बिल्कुल, आपको अपना काम करना है, अपना काम है, प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद नहीं हो रहा है तो सही बात है, कैसे भी करके आपको करना है. अगर आपके अंदर एम्बिशन है, आपने रखा है गोल, सही बात है, सबका गोल अपना अपना होता है, सही बात है, कोई 90 रखता है, कोई 80 रखता है, सही बात है, कोई 70, तो वो हिसाब से मेहनत करना. मतलब अगर हमने अगर ठान लिया है कि हमें ये करना है, तो उसमें हम कभी गलती नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी है. तो आइए बात करते हैं कि हम कुछ और विद्यार्थियों से कि उनकी अभिप्राय, उनके अभिप्राय क्या है. बेटा आपका नाम बताएंगे? रुद्रा संजय सिंह सोलन. आप किस कक्षा में एग्जाम दिया है आपने? 10th में. कितना परसेंट स्कोर किया है? 96.4. ओके, और आगे का जो है साइंस में देने वाला हूं, बायो मैथ्स में कितने आपके, गणित में कितने आए? 70. ओके, और आपकी तैयारी किस तरह से प्रकार की थी आपकी तैयारी? मैंने लास्ट में ज्यादा तैयारी की. अच्छा, पहले से नहीं की तो और ज्यादा, थोड़ा आज ज्यादा पहले तैयारी करते तो ये आप मानते हो अपनी गलती? बिल्कुल मानते हो कि तो इस बार अभी 12वीं का एग्जाम यानी बिल्कुल पूरी तरह जान लगा देना, जाने दिमाग लगा देना जो हम कहते हैं आमतौर पर. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे की पढ़ाई के लिए आपको ऑल द बेस्ट. आपका नाम बताइए, कितने मार्क्स आपको मिले हैं? 10th में हो ना आप? हाँ. जी, आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है? साइंस बायोलॉजी. बायोलॉजी, मेडिकल में जाने की इच्छा रखते हो, गुड, वेल डन. आइए कुछ लड़कियों का इंटरव्यू ले लेते हैं. जी, आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, कितना परसेंट स्कोर किया आपने? मैंने 92.7. साइंस में? साइंस. अच्छा, अभी आपको 10वीं के बाद सब्जेक्ट क्या लेना है? बायो. मेडिकल की तैयारी. स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, बाकी शिक्षकों के द्वारा आपको कितनी मदद मिली है, किस तरह से आपने उनको, आप उन्होंने आपको मदद किया है? हम जब भी पूछते हैं मैम लोगों से, तो मैम कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता, मैम तुरंत हाजिर हो जाते हैं और हमें सभी तरह की. और घर पे आपने कितने घंटों का प्रयास, मतलब जो परिश्रम किया है, जिस तरह से 12th के विद्यार्थी ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि घंटे मायने नहीं रखते, जितना भी घंटे पढ़ो क्वालिटी से पढ़ो, आप पूरा जान लगा दो, तो उस तरह से आप उसके बारे में क्या, आप अपने बारे में क्या कहते हो? हम कहना चाहते हैं हम जितना पढ़े वो ध्यान से पढ़े, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़े. हाँ, मतलब जितना क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए, जब आप 2 घंटा भी पढ़ते हो उसमें पूरा ध्यान उसी पढ़ाई में होना चाहिए. हाँ, ना के व्हाट्सएप, ना के फेसबुक, और ना के कोई पबजी, ना के फ्री फायर. सही है? ओके, थैंक यू बेटा. आइए बेटा जी, आपका नाम बताइए. अच्छा, आप किस कक्षा से हो? 10th. इसके बाद आपका क्या एम्बिशन है 10th के बाद? साइंस में बायो. साइंस, मतलब मेडिकल की तैयारी जोरों से. 10th में कितने परसेंट स्कोर किए आपने? 95 point something. और साइंस मैथ्स में कितने हैं आपके? आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. ओके, ये तो याद रखना ज़रूरी है कि आपने. ओके ओके, नो नो इशू. तो आपकी तैयारी किस तरह से रही है 10th में, या फिर इंग्लिश मीडियम? ओके, सो एक्चुअली आई वॉन्ट टू आस्क यू, वॉट इज योर, वॉट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू डिड फॉर स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम? प्रिपरेशन ऐसे जरूरी नहीं है कि सभी लोगों की सेम हो. बिल्कुल बिल्कुल, और हमें बस उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है. बिल्कुल, और उतना ही करो. सही बात है. आगे कि हमें जो ना आए वो बेझिझक टीचर से पूछो. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है. प्रिंसिपल और परे सर बेस्ट एग्जांपल है. जी, हमें बहुत सपोर्ट किया है. जी, बहुत पर्सनली सपोर्ट किया है स्कूल वाले, जी, टीचर्स. जी, हमें ऐसा नहीं है कि हमें डाउट है और हम लोग पूछ नहीं सकते. दे नेवर नेग्लेक्टेड अस. वेरी ट्रू, गुड.
हमें जब भी फ्री टाइम मिले वी कैन गो एंड आस्क देम. वेरी ट्रू. रिसर्च से वो लोग खा रहे हैं फिर भी वो लोग हमें टाइम निकाल के समझाते हैं. तभी तो ये रिजल्ट आया है जय अंबे का. बहुत बढ़िया बात कही है. थैंक्स अ लॉट बेटा. वेलकम. आप किस कक्षा से हो? मैं 10th. नाम बताइए आपका. मेरा नाम स्नेह के गजराज है. अब हिंदी में बोलोगे? हाँ. ओके, बताइए आपने तैयारी किस तरह से करी है 10वीं की कक्षा की परीक्षा के लिए? तैयारी सुबह पहले जल्दी हो जाता था. फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाना. स्कूल जाने. स्कूल में रिसेस में और ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं. मैंने टाइम निकल कर पढ़ाई की और शाम को स्कूल लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस. कोई बात नहीं, गुजराती में तो गुजराती में बोल सकते हो आप. कोई इशू नहीं है. यू कैन स्पीक इन गुजराती. एक्स्ट्रा क्लास लागे एटले छे ने ते एक्स्ट्रा क्लास में अमने ते वधारे टाइम मळ्यो वाचो अने घर शू के फोन ने बाजू ध्यान पण जाय. पण ये के एक्स्ट्रा क्लास में वंचाई भी जाय अने Exam. टेंथ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन जितने में सब स्कूल में ही हुई. मैंने घर में इतनी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं. तो व्हाट इज़ द परसेंटेज यू स्कोर्ड? परसेंटेज 95%. ओके, सो पूरा क्रेडिट तो स्कूल को जा रहा है लेकिन आपको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि आपने मेहनत करी. एग्जाम तो आपने ही अपियर किया है, दिया है. मैंने जितनी पढ़ाई की थी ऑलमोस्ट 90% पढ़ाई मैंने स्कूल में की थी. एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग रुकते थे यहाँ पे, तो घंटे एक्स्ट्रा रुकते थे. फिर एंडिंग में सर ने उनकी क्लासेस. तो आगे का 10th के बाद का क्या इरादा है? साइंस कॉमर्स क्या लें? मैथ्स बायो कौन सा ग्रुप? बायो. बायो ग्रुप. वेरी गुड, ऑल द बेस्ट. उज्ज्वल भारत की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन. आइए आइए, आपका नाम बताइए. आप 10th के? इंग्लिश मीडियम? नहीं, गुजराती मीडियम. ओके, हिंदी फाव से? ओके, तो बताइए कितने परसेंट आपने स्कोर किए हैं? 90.30. अच्छा, मैथ्स में कितने स्कोर किए? मैथ्स में 68. अबाउट फ्रॉम हाउ मच? ओवरऑल 100 में से? 10 के बाद कॉमर्स लेके सी बनने गए. वेरी गुड, और एक तो कॉमर्स वाला मिला. सारे डॉक्टर बनेंगे तो उनका जो मैनेजमेंट कौन संभालेगा, फाइनेंस कौन संभालेगा, एक तो है संभालने वाला. बढ़िया, बहुत बढ़िया. सबको आप सबको अभिनंदन उज्ज्वल भारत न्यूज़ टीम की ओर से. तो आपने देखा किस तरह से हम लोग ने आज विद्यार्थियों से बात करी. कुछ और बातें होंगी कुछ और समय के बाद. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. सीमा भट्टाचार्य, उज्ज्वल भारत न्यूज़, वलसाड़. नमस्कार. दृष्टि प्रखर आवाज़. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए.